नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज मैं कोटा एग्जीबिशन के अंदर से लाइव हूँ। कोटा एग्जीबिशन का आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन ये प्रदर्शनी लग रही है। भीड़ आप काफ़ी देख सकते हो, लोगों की काफ़ी आज भी भीड़ है। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने एंटिक फीस या पुराने जो नोट और सिक्के उनको खरीद भी रहे हैं और काफ़ी लोग सेल भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी एंटिक फीस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। ये लगभग 200 साल पुराने यहाँ पे बताए जा रहे हैं, लगभग 200 साल पुराने हैं। और भी काफ़ी यहाँ पे घड़ी वगैरह सभी रखी हुई है और यहाँ पे काफ़ी पुस्तकें भी रखी गई है जो भी काफ़ी पुरानी बताई जा रही है, लगभग 200 साल पुरानी बताई जा रही है। तो यहाँ पे कुछ और भी कलेक्शन रखा गया है, काफ़ी मेडल्स वगैरह, जो नोट और सिक्के वगैरह, शंख वगैरह, यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ वगैरह, पुरानी जो भी एंटिक आइटम है वो रखे गए हैं। तो हम सर से थोड़ा जानकारी लेंगे और जानेंगे कि ये क्या है, वो कितनी पुरानी है, किस प्राइस में यहाँ बिकती है। तो अब सबसे स्पेशल तो मेरे को तो ये एक बात, ये एक वॉच है ये जो नज़र आ रही है, आपको भी दिख रही होगी इसमें। मेरे को तो ये खास नज़र आ रहा है कि वॉच अभी तक भी चल रही है। तो सर से जानेंगे कि ये वॉच कितनी पुरानी है, हाल ही की है या काफ़ी पुरानी है। अगर काफ़ी पुरानी है तो देखिए पुराने सदियों में की घड़ियाँ भी अभी तक कार्य कर रही है, चल रही है। और इसमें टाइम भी फिक्स बताया जा रहा है, जितना टाइम अभी हुआ है उतना बताया जा रहा है। और साथ ही में और भी इसमें डिटेल्स दी गई है, तो सर से जानकारी लेंगे। अभी सर थोड़ा कार्य करने में लगे हैं, कुछ कलेक्शन का कुछ डील हो रही है सर के बीच में, क्या पता कोई एंटिक आइटम खरीदा होगा। और भी यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं। ओके ओके, और काफ़ी लोग आए हैं जी। भैया नमस्कार, गुड़िया अन्विका, नाम अन्विका आपका। आप यहाँ जानकारी जुटाने के लिए आए हो कि कौन सी हमारी प्राचीन सभ्यता के अंदर क्या क्या हुआ करता था? हाँ। तो आपका घर यहाँ से कितनी किलोमीटर दूर है बता सकते हो? घटोत्कच। मैं दर्शकों को बताऊँ, 5 किलोमीटर से चल के आप यहाँ पे सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए आए हो। तो और आप खरीदने के मकसद से या सेल करने के मकसद से यहाँ नहीं आए हो? नहीं। तो देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे उमड़े हैं, काफ़ी लोग डिस्प्ले के जानकारी के लिए आए हैं। वैसे इस प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य डिस्प्ले के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए है। और भी आपको हम काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी देंगे, बने रहिए वीडियो के अंदर। तो सर से भी मुलाकात कर रहे हैं, सर थोड़ा बिजी है डील करने के अंदर। कोई एंटिक आइटम है जो सर का बिका है तो उनकी डील हो रही है। और भी आपको यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स नज़र आ रहे होंगे, मेरे हिसाब से लगभग 30 स्टॉल्स यहाँ कोटा एग्जीबिशन के अंदर लगी है। और कुछ भाई साहब से मुलाकात भी कर लेते हैं जिनके नोट और सिक्के बिक चुके हैं, और काफ़ी लोगों से हम स्टॉल्स वाले भी मुलाकात करेंगे कि वो ऑनलाइन नोट और सिक्के खरीदते हैं या फिर नहीं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी सर। जी सर, मैं ट्रू इवेंट यूट्यूब चैनल से विकास, आपका नाम बता सकते हो? मेरा नाम ओम प्रकाश है सर। तो सर आप यहाँ कॉइन बेचने के मकसद से आए हो या कोई पुराना एंटिक आइटम है उसे बेचने के मकसद से आए हो या खरीदने के मकसद? कॉइन खरीदने के और बेचने के लिए, दोनों के लिए। दोनों, आप बेचना भी चाहते हो खरीदना भी चाहते हो? जी सर। तो सर आप यहाँ लगभग कितने किलोमीटर से चल के आए हो बता सकते हैं? यहाँ पे 500 किलोमीटर चल के आए। 500 किलोमीटर से सर आए हैं। तो सर आपने कोई नोट और सिक्का यहाँ पे सेल किया है? सर खरीदा है मैंने। कौन सा आप दिखा सकते हो और कितनी प्राइस में, एक बार दर्शकों को बता दो ताकि उनके मन में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा सिक्का नोट कितनी प्राइस के अंदर खरीदा जाता है। क्या है कि YouTube पे जो दावे किए जाते हैं कि लाखों के अंदर खरीदे जाते हैं या नहीं खरीदे जाते हैं, तो उसी की जानकारी हम पास से दिखाइए सर। 786 वाले 15 रुपये सिर्फ 15 रुपये के अंदर 10-10 का नोट आपने खरीदा है, 5 रुपये ज़्यादा देकर इन नोटों और सिक्कों को खरीदा है, वो भी 786 वाला है। वो सर जो फैंसी नंबर वाला है वो भी खरीदा है क्या आपने? फैंसी नंबर वाला भी एक खरीदा है सर। सर दिखा रहे काफ़ी नोट, पास से दिखाइए ज़रा। ये जो 555 फैंसी नंबर नहीं है ना सर, ये फैंसी नंबर वाले नोट भी सर दिखाएंगे हमें, काफ़ी जानकारी सर से मिलेगी। और 20-20 के नोट काफ़ी कलेक्शन कर रखा है सर ने, फाइल जमा कर रखी है ताकि जब कभी भी सर आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए फाइल जमा कर रहे हो या फिर इनको बेचने के मकसद से कलेक्ट कर रहे हो? सर इनको बेचना भी है सर, बेचने के लिए भी है और इनकी जानकारी लेने के लिए भी सर कलेक्शन कर रहे हैं। और काफ़ी लोग तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति में क्या हुआ करता था, हमारे पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था। ये जो फैंसी नंबर वाला है 39000, तो ये नोट आपने कितने रुपए में खरीदा? 10 रुपए में खरीदा सर मैं। 1 रुपए का जो नोट है 10 रुपए में खरीदा है।
और भी काफ़ी सर, आपके जो फाइल जमा कर रखी है उसमें से सबसे कीमती वाला नोट कौन सा है एक बार हमें दिखा दीजिए। और आपके पास 5 वाला ट्रैक्टर वाला नोट है क्या सर, वो भी हमें दिखा दीजिए। सबसे कीमती नोट ये सर 10 रुपये वाला है। 10 रुपये का सबसे कीमती बताया जा रहा है सर, इसकी प्राइस क्या है? सर इसकी प्राइस 100 रुपये है सर। इसकी प्राइस अब 100 रुपये है मात्र। मतलब ये हुआ सर कि जो YouTube पे दावे किए जाते हैं वो तो मेरे को यहाँ सरासर फेल होते नज़र आ रहे हैं, वो तो सिर्फ लोगों को धोखा करने के लिए। तो आपसे मैं यही निवेदन है कि जो YouTube पे लाखों के अंदर दिखाए जाते हैं कि लाखों के अंदर खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं, तो वो दावे सारे झूठे यहाँ पे मेरे को एग्जीबिशन के अंदर नज़र आ रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति लाखों के अंदर नहीं खरीदने वाला है। इन जो कुछ सिंपल नोट है उनको 5 वाला ट्रैक्टर वाला नोट कोई भी व्यक्ति कहीं भी लाखों के अंदर नहीं खरीदने वाला है, मेरे को तो ऐसा लगता है। फिर बायर पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार खरीद सके और कितनी प्राइस में खरीद सके। और सर आप कितने सालों से कलेक्ट कर रहे हो कॉइन्स को? सर मेरे को 5 साल हो गए सर। 5 साल से सर कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं। और सर और अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहिए, आपको कोई बेचना चाहिए या खरीदना चाहिए, तो आप ऑनलाइन भी कोई अपनी साइड एड वगैरह? नहीं सर ऑफलाइन ही है सर। ऑफलाइन ही है सर, प्रदर्शनी के अंदर भी आते हैं। और सर आप स्टॉल लगाते हो कहीं? स्टोर नहीं है सर, ऐसे ऐसे खरीदते हैं। आप कितनी प्रदर्शनियों के अंदर जा चुके हैं अभी तक? मैं अभी फर्स्ट प्रदर्शनी के अंदर। ये पहली प्रदर्शनी सर कोटा के अंदर पहली प्रदर्शनी में आए हैं और इनको काफ़ी जानकारी के लिए आए हैं, नोट कलेक्ट करने के लिए भी आए हैं। जो जो सर को अच्छा लगता है वो खरीद रहे हैं और जो बेचना चाहते हैं वो बेच भी रहे हैं। अभी सेल तो नहीं किया है ना आपने? नहीं सर नहीं किया, एक भी नहीं बेचा है सर ने नोट। और सर आपको क्या लगता है कि आपके नोट उसी के लाखों के अंदर बिक पाएंगे? नहीं सर नहीं बिक पाएंगे। सर के पास कुछ ऐसा कलेक्शन नहीं है जो जिसकी कीमत लाखों के अंदर है? यहाँ पे काफ़ी नोट और सिक्के बताए जा रहे हैं। कल पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि जो 100 नोटों की एक गड्डी होती है उसकी एक सर 8 लाख कीमत बता रहे थे, पर उसमें जो मिंट मार्क्स थे उनको आपको फॉलो करना होगा। अगर वो आपके पास है तो लाखों के अंदर बिक सकती है, वरना ऐसे सादा नोट है आप लेके चले आओगे एग्जीबिशन के अंदर तो आपको 1 भी रुपया यहाँ पे नहीं मिलेगा। और भी जानकारी देते हैं थोड़ा।